You had food? Mom, I'm not going to eat this rajma and all. मैंने पिज्जा खाया. I told you, you're not going to step outside the house. Mom, मैंने ऑर्डर किया था. Please don't behave like this. See, मैं कुछ नहीं कहूँगी. जो करना है फिर डैड करेंगे. मॉम आप लोग ना पहुंच जाओ तो मुझे मैसेज कर देना और मुझे आज बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन बनाना है, कल देना है कॉलेज में. ओके बाय. तारा प्रेजेंटेशन बनाना है और व्हाट डू यू वांट यू एग्जैक्टली नो व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई डोंट वांट या मॉम आई एम नॉट अ किड एनीमोर प्लीज डोंट टॉक टू मी लाइक दिस. अच्छा मॉम मुझे बहुत काम है, मैं बाद में बात करती हूँ. सारा सारा मैडम ये नींबू मिर्ची ले लो ना, बहुत सस्ता है, इससे सारी बुरी नजर भाग जाती है. दरवाजे पे टांग देना. व्हाट द फक, तू ऊपर कैसे आई और कौन है तू? वॉचमैन किधर है? अरे मैडम सुनो ना, मैडम बहुत सस्ता है, ले लो ना. कोई भी बुरी बुलाओ सब टल जाती है. अरे मुझे नहीं लेना है वॉचमैन. अरे मैडम वॉचमैन को मत बुलाओ, मैं जाती हूँ. अच्छा मैडम एक ग्लास पानी पिला दो ना, बहुत प्यास लगी है. मैडम आपका घर तो बहुत अच्छा है, आप शुरू से ही रहते हो ना? हाँ. तुझे कैसे पता? वो मैं पहले आई थी ना तो आपकी माँ ने मुझसे लिया था, वो होती तो पहचान लेती. तुझे कैसे पता मेरी माँ घर पे नहीं है? वो मेरी नजर ही ऐसी है. और मुझे तो ये भी पता है कि आप दिन में 1000-2000 ऐसे ही खर्च कर देते हो. ये ले लो ना मैडम, सिर्फ 10 रुपए का. मुझे कुछ नहीं चाहिए. और तू ऊपर कैसे आ गई? अभी वॉचमैन कहाँ था? अरे मैडम पैसे की जरूरत है इसलिए घर घर जाके बेच रही हो. अब वॉचमैन आएगा वो खींच के ले जाएगा, उसका मन तो नहीं करेगा. आखिर हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं, दोनों गरीब. पर हाँ वो अलग बात है, उसे करना पड़ेगा. क्यों, और कोई ढंग का काम नहीं ढूंढ सकते तुम लोग? अगर पढ़े लिखे पैसे वाले माँ बाप होते तो पढ़ा लिखा देते, फिर काम भी अच्छा मिल जाता. पर अब पैसे के लिए यही करना पड़ता है. बहुत हो रहा है तेरा, और तू पैसा पैसा करके मुझे सुना मत. चल हो गया ना तेरा, ठीक है चल निकल. अरे मैडम ले लो ना, सिर्फ 20 ही रुपए का है. अरे झूठी, अभी तो बोली 10 का था. अरे वो गुलाब का रेट बोल दिया, वो गुलाबी बेचती हूँ ना सिग्नल पे. देख अभी तो जा रही है, मैं पुलिस को बुलाऊँ? अरे मैडम ले लो ना, कौन सा मैं अमीर और आप गरीब हो जाओगे, मुझे पैसे की जरूरत है. क्यों है तेरे को पैसे की जरूरत? हाँ घर पे खाना नहीं है, या फिर भाई भूखा है, या फिर माँ हॉस्पिटल में. अरे मैडम मैं आपको कितनी बार बोलूँ, मैं भीख नहीं मांग रही हूँ, ये बेच के पैसा जमा कर रही हूँ. क्यों, देखो घर खरीदना है क्या? नहीं लेकिन मुझे लगता है आप मेरी प्रॉब्लम समझ जाओगे, आप भी औरत हो. अब मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ तो आप भी समझ जाओगे. अच्छा बता क्या है तेरी प्रॉब्लम? बच्चा. क्या? मेरी ना एक दोस्त है, उसका एक लड़के के साथ चक्कर था और अब वो पेट से है, और उस लड़के ने उसे छोड़ दिया. उसका बाप उसे मार डालेगा क्योंकि वो सिर्फ 16 साल की है, इसलिए हम पैसा जमा कर रहे हैं ताकि उसका बच्चा गिरा सके. वो प्रेग्नेंट है, और अब तुम लोग अबॉर्शन करवाओगे? हाँ मुझे पता था आप समझ जाओगे,
आपने भी तो गिराया था ना पिछले साल। क्या? हाँ, आपने भी तो गिराया था ना। और पैदा करके कर भी क्या लेते, किसी आश्रम के बाहर डाल देते। फिर वो भी मेरी तरह सिग्नल पे काम करती। तुझे कैसे पता ये सब? कौन है तू? मैंने कहा था ना मैडम, मेरी नजर ही ऐसी है। अब ये बचाएगा आपको बुरी नजर से, नींबू और उसके साथ मिर्ची। पर अगर धागा कमजोर हुआ तो ये टूट जाता है। ये धागा बहुत पक्का है, इसे टूटने मत देना। Come back soon.